तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ कैशबैक की। हाँ, जो आपको कैशबैक मिलता है, चाहे आप कहीं से शॉपिंग करें, क्रेडिट कार्ड से बिल पे करें, या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करें, या आप किसी UPI ऐप से पेमेंट करें, या कहीं आप फूड ऑर्डर करें, या किसी भी चीज़ में अगर आपको कैशबैक मिल रहा है तो उसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, कैशबैक अगर आपको कहीं मिल रहा है तो उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। आपको मिल सकता है कैशबैक PayTM से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हो, कहीं से भी आपको कैशबैक मिल रहा है तो उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। बट इसकी कुछ कंडीशंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो इसकी कंडीशंस है, वो सबसे पहली है जो इसकी कम्युलेटिव वैल्यू है, मतलब टोटल वैल्यू इस कैशबैक की एक साल में है, वो 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। मतलब कैशबैक की जो टोटल वैल्यू है वो 50,000 से ऊपर हो और ये मॉनेटरी टर्म्स में हो, यानी कैश में मिले आपको। मतलब कि कहीं से आपसे UPI में पेमेंट करते हैं, कैशबैक आता है ना, पूरा इन टर्म्स ऑफ आपके बैंक अकाउंट में आता है वो। और जैसे क्रेडिट कार्ड में आप पे करते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे शॉपिंग करी, और वहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ टाइम बाद कुछ कैशबैक वापस मिल जाता है आपके कार्ड में, तो उस पे टैक्स लगेगा, ना कि फ्रीबीज लगता है। मूवी टिकट्स मिली आपको, या आपको कुछ वाउचर मिल गए, या कुछ और मिल गया, तो उस पे टैक्स नहीं मिलेगा लगेगा। बट अगर आपका वो बिजनेस है, मतलब आपको बिजनेस के तौर पे एक्सपेंस किया था, आपने अपने बिजनेस का एक्सपेंस किया था, उसके उसमें आपको कुछ फ्रीबीज मिले तो वो भी टैक्सेबल है। बट आप एक इंडिविजुअल है और पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, ये कैशबैक मिला है आपको, तो आपको सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में जो मतलब कैशबैक मिला है उस पे टैक्स लगेगा, फ्रीबीज पे टैक्सेबल टैक्स नहीं लगेगा। बट एक और डाउट आता है कि ये 50,000 कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, आपको 50 रुपये का कैशबैक मिला 500 रुपये की शॉपिंग पे, तो वो 50 रुपये का कैशबैक काउंट होगा, 500 रुपये की जो शॉपिंग करी वो अलग है। जो 50 रुपये का कैशबैक है ना, उसको जोड़ जोड़ के वो 50,000 से ऊपर है, तब टैक्सेबल है। और ये सब क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 56(2), जिसमें बोलता है कि वो अगर आपको किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को 50,000 पे कहीं से भी मिलता है पैसा, मतलब कम्युलेटिव 50,000 कहीं से मिलते हैं पैसे जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए, किसी और से मिलता है, तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या प्रॉफिट PGBP में दिखाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको दिखाना पड़ेगा, और वो इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी। अब सपोज आपको 40,000 पे मिलता है टोटल कैशबैक, तो टैक्सेबल नहीं है। बट अगर आपको 50,000 एक रुपया भी टैक्सेबल मिल गया, तो मतलब कैशबैक मिल गया, तो आपका कंप्लीट वैल्यू टैक्सेबल होगी। और इसके बाद एक और दिमाग में आपके डाउट आया होगा कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो एक रुपया भी नहीं कमाता, बस मेरे को जो कैशबैक मिला वो ही है, तो क्या टैक्सेबल होगी? नहीं, वो टैक्सेबल नहीं है। तो ये तो अमाउंट होगी आपकी 50,000 टैक्सेबल, बट इसके बाद भी लिमिट है, जो इनकम टैक्स की स्लैब्स होती है उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी इनकम 0 और आपको 1,00,000 कैशबैक मिल गया हो, फिर भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि लिमिट जो इनकम टैक्स एक्ट की स्लैब है वो ऊपर है काफ़ी, और आपको इसलिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो लिमिट इस बार हुआ है कि 5,00,000 तक अगर आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो अगर आपको टोटल कैशबैक 4,90,000 भी मिल जाए और आपकी और कुछ भी इनकम ना हो, तब भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये सब उनके लिए है कि जिनकी ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम है और उनको कहीं और से भी मतलब कैशबैक मिल रहा है, 50,000 से ऊपर मिल रहा है, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो, और अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स रह गए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।